हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने धोनी के बारे में जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर और मैं हूँ सुरभि। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत के हाथों मैच में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई। हार के लिए स्थानीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों में सरफराज अहमद की नाखुशी को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी क्रिकेट जगत के लिए भारत से कहीं भी मिलने वाली हार को पछाना मुश्किल होता है। मैनचेस्टर में मिली हार के बाद मीडिया कारणों का पड़ताल कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने हार की कई वजह बताई, जिसमें एक अहम वजह कप्तानी भी थी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तानी टीम के बीच फर्क करते हुए ये धोनी भारतीय टीम के एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और इसी वजह से उसे टीम का फायदा मिला है। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और एक बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं। और मीडिया ने यह भी कहा कि लगभग हर ओवर के बाद एमएस धोनी के पास कोहली या टीम के अन्य साथियों के साथ एक या दो शब्द कहते दिखे, जो शायद उन्हें मार्गदर्शन देता था, उन्हें प्रोत्साहित करता था या उन्हें पीठ थपथपाता था। यह पाकिस्तानी सीनियर खिलाड़ियों से गायब था जब पाकिस्तान मैदान पर खेल रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मजेदार जानकारियों और खबरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।